18 बेश जी, संशोधन विधेयक 2023, माननीय मंत्री जी। सर, आई राइज टू मूव दैट द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट है। वैसे तो फार्मेसी एक्ट 1948 से है, लेकिन जब 2020 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई और उस वक्त से देश के सारे कानून वो जम्मू कश्मीर में लागू हो गए, तो उसमें फार्मेसी एक्ट भी जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। लेकिन उसमें दो परिस्थिति थी। जब फार्मेसी एक्ट यूटी के रूप में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, तब जम्मू कश्मीर में 1955 में बना हुआ फार्मेसी एक्ट अमल में था, वो एबोलिश हो गया। तो ये एक्ट के तहत जो फार्मासिस्ट रजिस्टर हुए थे, ये फार्मासिस्ट को डीम्ड के रूप में नए फार्मेसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ऐसा प्रावधान हो गया। लेकिन स्थिति ये हुई कि सभी जगह में फार्मेसी एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन उसको मिलता था जो बीफार्म हो, जो एमफार्म हो, जो फार्मडी हो, ये सब लोगों का रजिस्ट्रेशन ये रजिस्ट्री में होता था। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अलग व्यवस्था थी, वहां 2 साल का एक कोर्स चलता था, उसको मेडिकल असिस्टेंट कोर्स कहते थे। तो मेडिकल असिस्टेंट कोर्स में जो उसको भी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन मिलता था, तो जिसको फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन मिला था वो तो डीम्ड के रूप में ये न्यू फार्मेसी एक्ट के मुताबिक वो रजिस्टर हो गए। ये सबको 1 साल में एक फॉर्म फिल करना था और उसको रजिस्ट्रेशन ले लेना था। लेकिन स्थिति ये आई कि जो मेडिकल असिस्टेंट के लिए इट्स वन टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट कोर्स, 2 साल का कोर्स था, वो चलता था, जिन्होंने एडमिशन ले लिया उसको नया जो इंडियन फार्मेसी एक्ट के मुताबिक जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, एक एक्ट तो लागू हो गया, ये 2 साल के बाद आज जिन्होंने एडमिशन लिया हो, 2 साल के बाद उसका एजुकेशन पूरा होगा और बाद में वो आएंगे, तो बाद में वो जो मेडिकल असिस्टेंट के रूप में आएंगे उसको तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, उसको तो फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं। तो ये अमेंडमेंट के द्वारा फार्मेसी एक्ट में 32C में हम अमेंड कर रहे हैं कि ऐसे जो जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स किया है और जिन्होंने एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद ये 2 साल में जब से एक्ट लागू हुआ उसके बाद, उसके पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, ये सभी को फार्मेसी एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन दे देना है। केवल एक इतना ही संशोधन है ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो युवा व्यक्ति है और युवा है, उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, उसको फार्मेसी एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मिले। ये हेतु के लिए एक छोटा सा अमेंडमेंट लेके आया हूँ मैं सदन को के सामने, ये अमेंडमेंट रखता हूँ, सब उसको यूनानिमसली डिस्कशन करें और पास करें, ऐसी अपेक्षा है। श्री दाल सिंह बिसेन जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और